हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, यानी इसे हम वल्वा। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता क्या है? फीमेल का वो पार्ट जो दिखाई दे, ठीक है, ये दिखाई देने वाला पार्ट होता है जिसे हम लोग वल्वा बोलते हैं। आइए इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस पार्ट की बच्चों बात करते हैं। दिस इज द पार्ट, ये कौन सा पार्ट होता है? तो ये पार्ट होता है हमारा मून्स प्यूबिस। ये एरिया हमारा मून्स प्यूबिस एरिया होता है, और यही मून्स प्यूबिस एरिया क्या होता है, प्यूबर्टी से पहले यहाँ पर काफ़ी फ्लैट एरिया होता है, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कई सारी फैटी टिश्यू वगैरह डेवलप्ड हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ये थोड़ा सा एरिया फूल जाता है एक प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि कई सारे हेयर पाए जाते हैं, ठीक है, इस प्यूबिस एयर में, मतलब एरिया में यहाँ पर कई सारे हेयर्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग प्यूबिस हेयर बोलते हैं। ये एरिया क्या करता है? लाइक अ कुशन का काम करता है, कुशन लाइक तकिया। ये क्वाइटस के समय हेल्प करता है जो कुशन होता है, ठीक है। आगे पार्ट कर ले, आगे बात की डिस्क आगे नेक्स्ट पार्ट की हम डिस्कस करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये जो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं बच्चों लेबिया माइजोरा। ये कौन सा पार्ट होता है? तो बच्चों ये बाहर का जो पार्ट होता है, ये लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग लेबिया माइजोरा बोलते हैं। बिकॉज इसका जो, अगर हम बात करें जो लैटिन वर्ड होता है लेबिया माइजोरा का, जो लैटिन वर्ड होता है किस लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, तो ये लिप्स होता है इसका, ठीक है। लैटिन वर्ड लिप्स से मिलकर बना है लेबिया माइजोरा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बाहर का पार्ट होता है, ठीक है, जेनिटेलियल पार्ट, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम लोग लेबिया माइजोरा। और लेबिया माइजोरा के अराउंड यानी चारों ओर क्या होता है, हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्यूबर्टी से पहले नहीं पाए जाते, जैसे फीमेल्स में प्यूबर्टी आती है देन यहाँ पर क्या होता है, हेयर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर और एक लिप्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्मॉल लिप्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है बच्चों, इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होता है, ये एक काफ़ी स्मूथ एरिया होता है, ठीक है, स्मूथ एरिया होता है, ये पिंक कलर का होता है, और यहाँ से कई सारे लुब्रिकेंट सिक्रीज होते हैं। लुब्रिकेंट क्या करते हैं, ये जो एक्सटर्नल पार्ट है, इस एक्सटर्नल पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से, और वहाँ पर क्या करते हैं, उस एरिया को बिल्कुल लुब्रिकेंट जो निकलता है उसको काफ़ी अच्छा रखता है, यानी एक प्रकार से वहाँ उस एरिया को चिकना करता है, ठीक। आगे हम इस पॉइंट की बात करते हैं, इसको बेटा बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस फीमेल्स में ये एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है, क्लाइटोरिस ये काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है, आप लोग समझ सकते होंगे, ओके। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग। तो दिस इज़ द यूरेथ्रल ओपनिंग, एंड उसके नीचे आ जाता है हमारा वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग जहाँ से वजाइना ओपन होती है, और इसी पार्ट में क्या होता है, यहीं पर एक लेयर पाई जाती है इसके ऊपर जिसे हम लोग हाइमेन बोलते हैं, ठीक है। हाइमेन लेयर टूटने के बाद में ब्लीडिंग होती है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर ये वाला जो एरिया होता है, ये हल्का नाली लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं पेरिनियम, और उसके नीचे ये होता है एनस। तो एनस पार्ट क्या होता है, ये वो पार्ट होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से आउटपुट करता है। तो बच्चों हमने जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलियल पार्ट था उसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। पहला पार्ट क्या था, मोन्स प्यूबिस। ये मोन्स प्यूबिस पर यहाँ पर हेयर पाए जाते हैं, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले ये एरिया फ्लैट होता है, लेकिन उसके बाद जैसे प्यूबर्टी आती है तो यहाँ पर कई सारी फैटी टिश्यू डेवलप्ड हो जाते हैं जिससे ये एरिया फूल जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो हेयर पाए जाते हैं उनको प्यूबिस हेयर बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ये जो बाहर का लिप्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं लेबिया माइजोरा, और उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर दिखिया उसे लेबिया माइनोरा बोलते हैं, जो जो काफ़ी पिंक कलर का होता है, और क्या करता है कि इसको प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, और यहीं से कई सारे लुब्रिकेंट सेक्रेट होते हैं जो इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ऊपर क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। उसके बाद में ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग आ जाती है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा वजाइनल ओपनिंग, पेरिनियो आ जाता है, और ये हमारा हो जाता है एनस। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमने डिस्कस कर लिया।